कॉमेडी। रोशनी की खूबसूरत टांगों से होता हुआ ये पंच सीधा गया स्लिप में सो रहे सोहेल की तरफ और खाओ गली में मौजूद अर्चना की हंसी से टकरा कर ये पंच अब बढ़ रहा है अकल के सबसे खतरनाक खिलाड़ी सुरिंदर की तरफ और ये हुआ बोल। वेलकम टू कोहिनूर द ट्रू बासमती प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर तबला तोड़ स्पॉट स्पेशल। आज यहाँ होगा कॉमेडी का सबसे बड़ा नॉकआउट मैच। हंसी के 35 तबला तोड़ एपिसोड्स के बाद अगले हफ्ते है हंसी के इस नए दौर का सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में जाएंगी सिर्फ चार जोड़ियां। कोई एक जोड़ी आज हो जाएगी यहाँ से एलिमिनेट। आज हर जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जी जान लगाएगी क्योंकि इस सीजन के मैन ऑफ द मैच को मिलेगा सोहेल खान की फिल्म में एक रोल। आज हंसी के क्वार्टर फाइनल को देखने के लिए आए हैं कुछ बहुत ही खास मेहमान, तो बड़ी ही जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फिल्म पप्पू कान डांस साला के फास्ट बोलर विनय पाठक और लड़कों के दिलों को क्लीन बोल कर देने वाली गॉर्जियस नेहा धूपिया का। बोलूं तो अर्चना जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मैं छोटे शहर बनारस से हूँ ना, वहाँ से आया हूँ और यहाँ के मेरा भी सपना है कि मैं एक छोटा सा नन्ना सा अच्छा सा प्यारा सा घर बनाऊँ बिना सोसाइटी वाला। पप्पू प्लीज यार स्टॉप, हमेशा घर के रोने मत शुरू किया कर। तू फिल्म के शुरू होने से यहाँ तक सिर्फ मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए। तू समझ जाया कर ना, रूम है तेरी वजह से रहा हूँ, घर की वजह से नहीं रहा हूँ। बंटवारा बाप बेटों में होता है, भाइयों में होता है। कभी पड़ोसियों का बंटवारा सुना है आपने? इनकी वजह से मेरे घर का बंटवारा हुआ जी, मेरे कमरों का, मेरे पलंग का, मेरे बाथरूम का। वहाँ पड़ोसी कभी अच्छे नहीं मिलते जी, चाहे वो बिल्डिंग के हों या सोसाइटी के हों या इस देश के हों। अच्छा तो सुन, मेरे से पंगा मत लेना क्योंकि मैं इस दुनिया की, शहर की, इन सब पड़ोसियों की बहुत बड़ी डांसिंग स्टार बनने वाली। अगर तू डांसिंग स्टार है ना तो मैं भी माइकल जैक्सन से कम नहीं हूँ। तेरी इस अदा को देखकर मुझे कुछ याद आ गया। देखा, फट गई लड़की। क्या याद आ गया बता? कि पप्पू का डांस साला। अरे वाह, तालियां वाह, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने मिलकर मेरी फिल्म प्रमोट की है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पता है कि बिना बेइज्जती कराए यहाँ कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं। इसीलिए मैं हमेशा अपनी इज्जत घर पे छोड़ के आप लोगों के पास आ जाता हूँ। थैंक यू। चलिए ये तो बताइए अपनी फिल्म के बारे में थोड़ा बहुत, कब रिलीज हो रही है, व्हाट इज पप्पू कान डांस साला अबाउट? शुद्ध हिंदी में अगर मैं बताऊँ तो जीवन में जितने प्रपंच हैं, जितनी दुख और दुविधाएं हैं, उन सब का नृत्य जो हम करते हैं और जिसे नहीं करना आता है वो पप्पू हो जाता है, उस तरह का नृत्य है इस फिल्म में। वाह वाह, बड़ी फिलोसफिकल फिल्म है। नेहा आप बताइए इस फिल्म में और क्या क्या है, क्या कर सकती है हमारी ऑडियंस एक्सपेक्ट? इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म, 16 दिसंबर को रिलीज हो रही है। इट्स अ प्ली टू एवरीबॉडी, यू मस्ट कम एंड वॉच द फिल्म एंड आई एम श्योर कि सब जरूर आएंगे यहाँ देखने। फिलहाल आप लोग प्लीज जाइए, गो टेक योर सीट्स देयर एंड गेट रेडी फॉर ऑल द फन एंड कॉमेडी ऑन आवर शो। गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हमेशा हमारे कंटेस्टेंट्स को कहती रहती हैं आई वांट टू टेक यू होम, आई वांट टू टेक यू होम, लेकिन कभी हमारी ऑडियंस को अपने घर में नहीं लेकर जाती। वैसे हम अपनी ऑडियंस को आज लेकर चल रहे हैं अर्चना के मड आइलैंड वाले बंगलो में। सो प्लीज वेलकम कृष्णा एज अर्चना एंड सुदेश एज वेरियस कैरेक्टर्स। पेपर तू क्या देख रहा है? धारा भी के पैकेट मार, तेरा भी नाम छपा इसके अंदर, ज्यादा हंस मत। माइंड ब्लोइंग, माय गॉड, क्या करूं? कॉमेडी सर्कस का रोज सुबह 6-6 बजे पैकअप होता है तो जाते वक्त पेपर डालने का काम शुरू किया है मैंने। कहना चार पैसे भी बन जाते हैं और अगर पेपर बच जाए तो उस काम भी आता है। हंसते क्या, गलत मत सोचो, रोटी लपेटने की बात कर रही हूं। विनय फिर से आ गए। वॉचमैन को मना किया था गेट बंद रखा करो बाहर का। प्रमोशन हो। लेकिन एक सच्ची बात कहूं दिल से,
विनय जी, आप पिछली बार आए थे ना, तो हम लोगों ने बहुत बकवास की. जब आप घर गए ना, तो फिर हमको ऐसा लगा कि ऐसा ना हो विनय जी को कोई बात बुरी लग गई हो. लेकिन आज आप आए हैं, इसे साबित हो गया कि आपको हमारी बकवास अच्छी लगती है. इस बार फिर हम लोगों ने स्पेशल बकवास तैयार की कि अगली बार भी ना आ सकूं, लेकिन आप आओगे मुझे पता है. पिछली बार सर कौन सी फिल्म की प्रमोशन के लिए आए थे आप? कितनी फिल्में गई मुझे याद नहीं है, मैं सिर्फ करंट याद रखता हूँ. तेरे मेरे फेरे. जी 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 जी, करेक्ट. ओह गॉड. नहीं, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी वो पिक्चर. मेरे को सच में बहुत अच्छी. पब्लिक का छोड़ो आप, ये लोग ऐसे ही. लेकिन मैं सच्ची बोल, तुम राइटर लोग भी ना क्या क्या लिख के देते हो तुम लोग हम लोग को. लेकिन इस बार मैं कह रही हूं, खुद अर्चना, अगर मेरी किसी भी बात का बुरा लगे ना आपको, एक रपटा मार सकते हो, बाजू में ही बैठी हूं. हाय नेहा, हाउ आर यू? फाइन. इसी बार मिले थे, याद है तुम बंगले पर आई थी बदमाश कंपनी की सक्सेस पार्टी पे. माय गॉड, ये देखो सब लोग आए. नेहा ही तो मुझे ज्यादा अच्छा लगा, इतनी बड़ी स्टार है, देखो बिन बुलाए कौन आता है वरना. याद है सुबह तक हमारी ड्रिंक पार्टी चलती रही. ओहो, कितना ड्रिंक किया. माय गॉड. सोहेल भाई भी थे ना, याद है सोहेल? सोहेल ने 6 पिया पैग. मैंने 9 पिया. नेहा 3 पिया. ये झूठ कहती है, नेहा 2 पिया, नेहा 2 पिया. माय गॉड. खैर अभी मेरे घर पे आज क्रिकेट मैच आने वाला, मैं लगा लेती हूँ. एसी का रिमोट है, कोई बात नहीं, मेरा घर है, मैं एसी के रिमोट से टीवी चला लूंगी. क्या हुआ, ये टीवी क्यों नहीं चल रहा यार? परमीत, व्हाट इज दिस? बर्तन कपड़े छोड़ो, कहाँ हो तुम? बर्तन कपड़े. आर्यमन, आर्यमन कहाँ है मेरा बेटा? आर्यमन, पापा. हे पापा, क्या बोल रहे? मम्मी बोल, मम्मा मम्मा बोल. अच्छा, कॉमेडी सर्कस में कोई फूफा कोई ताऊ कुछ भी बोले, अगर मैंने पापा बोल दिया तो बड़े गुस्से. वहां पर ना ये सब सुनने के मुझे पैसे मिलते हैं. पैसे मिलते हैं? तो ये लो 200 रुपया, मैं आज सारा दिन अंकल अंकल बोलूंगा. बकवास बंद कर. कॉमेडी सर्कस देख देख के तेरा दिमाग खराब हो गया है, माइंड ब्लोइंग. बकवास बंद कर तू. ये बता, ये टीवी क्यों नहीं चल रहा? मम्मी, आजकल जो टीवी पे आते हैं वो नहीं चल रहे. हाँ? तो टीवी के चले नहीं, वो गलत मत समझो, बिजली वाले आए थे काट के लाइट. क्या? हाँ, अर्चना पूरन सिंह के घर का कनेक्शन काट के. माइंड ब्लोइंग. मम्मी, उनकी हिम्मत छोड़ो, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है. हाँ? 4 महीने से बिल नहीं दिया तूने. हर बार बहाने बनाती हूँ, आपकी बिजली की पावर पूरी नहीं आती. मैं मेन स्विच में उंगली घुसेड़ती हूँ तो मेरी एक आंख ही बाहर आती है. ओह माय गॉड, माइंड ब्लोइंग यार. अब मैं वो क्रिकेट मैच कैसे देखूंगी? मम्मी, आपको कब से शौक पड़ गया क्रिकेट मैच का? अरे मुझे कोई शौक नहीं, वो फूफी है ना, वो मैच देखने के लिए गई है. उनका फोन आया था, मुझे बताना मैं टीवी पे कैसी लगती हूँ. ओ, तो इसका मतलब आपकी फूफी भी पागल है. नहीं यार, कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी भीड़ में वो कैसे दिखेगी? अरे जरूर दिखेगी, तुम्हारे फूफा है ना वो कैमरामैन है. उन्होंने कहा 3 घंटे मैं कैमरा फूफी पे ही रखूंगा. पिछली बार भी उन्होंने ऐसे किया था, सारे क्रिकेटर भड़क गए, कहते मैच जब फूफा फूफी का था तो हम लोगों को क्यों बुलाया. मम्मी 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 मम्मी. अर्चना का बेटा हूँ, मारूंगा. बोले नहीं देखे मम्मी के तूने? मम्मी, उनको बुलाए ना बुलाए, मुझे स्कूल में बुलाया, मैं फुटबॉल टीम में मेरी सिलेक्शन हो गई. मेरा बेटा कैप्टन बन गया कि क्या बनाए तू? फुटबॉल. बकवास बनकर, ज्यादा बकवास की ना सारे नंबर काट लेंगी वो. वो नंबर नहीं काट सकती. क्यों? क्योंकि आज थीम क्या है? स्पोर्ट्स. और वो देखो कपड़े कैसे शर्ट पहन के बैठी हुई है. कितनी बार कहा है मम्मी को थीम के हिसाब से यूनिफॉर्म पहना करो. थीम के हिसाब से कैसे पहने? आज तो स्पोर्ट्स स्पेशल है, अगर जंगल स्पेशल होगा तो पत्तों में बैठे अच्छे थोड़ी लगते ये लोग. और वो भी सोचो, ऊपर से बकरी आ गई तो पत्ते खा लिए. हमारी तो स्टैंडिंग ओवेशन गई ना. बकवास बनकर भाग ऐसे. तो बात करते विनय जी की. हाय विनय. विनय, फिल्म का नाम क्या है? पप्पू कान डांस वाला. ये बहुत बड़ी चीटर हो यार आप.
लोग फिल्मों से गाने चुराते, इन्होंने गानों से फिल्म चुरा ली. पप्पू कांड डांस साला. लेकिन एक बात बताऊं, देखो मेरे पति भी डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं. नया कम से कम नहीं तो एक फिल्म बनाई है. एक फिल्म बनाई तो क्या हुआ, हिट तो बनाई ना. मेरे पास फॉर्मूला है, मैं आपको ऐसी चीज दूंगी जिससे आपकी फिल्म चलेगी ही चलेगी. ए इनको नया सोनी का डीवीडी प्लेयर दो. हाँ पक्का चलेगी चलेगी. नहीं चली ना तो मुझे बोल देना, मुझसे ठीक करवा लेना. पेपर के साथ साथ ये भी साइड बिजनेस चालू किया मैंने, डीवीडी प्लेयर ठीक करने का. क्या करें, विपुल से पेमेंट ही नहीं मिलती. यारे भाई और बहनों, आज इंडिया और इंग्लैंड में मैच होने जा रहा है और आपको मैं बता दूं, मैं हूं चेतन शर्मा. मैंने चेतन शर्मा बोला, कपिल शर्मा नहीं बोला. लाल कर रही हूँ. आपको जान के खुशी होगी, इंग्लैंड की टीम ने टॉस करके ये फैसला किया है कि गेंदबाजी पहले वो ही करेंगे. मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा रन आज इंडिया ही बनाने वाली है. वो बनाए ना बनाए, लेकिन मैडम आपने दाढ़ी बहुत अच्छी बनाई है. कौन बोल रहा है ये? कौन बोला? आज हम अर्चना पूरन सिंह से मैच के बारे में बात करते हैं. मैडम आपसे मिलकर आज हमें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है. आप ये बताइए कि आज महेंद्र धोनी की टीम जीतेगी या नहीं? सच कहूं, महेंद्र सिंह धोनी है ना, ये कौन है पहले मुझको ये बताओ. अगर आपको महेंद्र धोनी के बारे में नहीं पता तो आपको नेहा दुबिया के बारे में और ये एक इधर कौन बंदा बैठा है उनके बारे में भी नहीं पता होगा. नहीं नहीं, विनय को तो मैंने पहले पहचाना ही नहीं. जब स्टेज पे आया ना तो याद है हमने पिछली बार कहा था छगन राम हलवाई, मुझे लगा वही जलेबियां लेके आए हैं. लेकिन फिर मैंने बाद में नेहा को देखा ना, फिर हमको कंफर्म हो गया कि प्रमोशन के लिए आए हैं. मैं विनय जी के बारे में बता दूं, ये हलवाई नहीं, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं. अगर ये हलवाई होते तो इतने बड़े स्कूटर पे थोड़ी आते बाहर खड़ा है. सॉरी यार विनय, ऐसे ऐसे बकवासें चल रही है. मैंने आपको कहा ना, खुला बोल रही हूँ, अगर हमारी किसी भी बात का बुरा लगा तो एक रपटा मार सकते हो, मैं आपके बाजू में ही बैठी हूँ. मैं छोड़ो, मैं अब कॉमेडी सर्कस लगाती हूँ, उससे अच्छा एंटरटेनमेंट दुनिया में कहीं भी नहीं है. करेक्ट. देखो हमने जीवन में बस इज्जत कमाई है, एक मेरी बेटी है, दो मेरे जमाई है. माय गॉड, ये तो सुदेश आ गया. लगता है इस एक्ट का एंड होने वाला है, कमेंट्स मैं ही खुद जाके दे देती हूँ. मैं अकेली अच्छी थोड़ी लगूंगी. क्या तुम भी ना सोए, क्या कर रहे हो? ऐसे थोड़ी करते हैं, हाथ तो हटाओ. यार ये सारा दिन मुंह छुपाता रहे. लेकिन सोहेल के बारे में एक बात कहूं, दिल का बहुत ही अच्छा है हमारा सोहेल. दिखाई देती हूँ मैं आपको. सॉरी सुदेश, तुम्हारे बारे में मैं क्या कहूँ. जब तुम स्टेज के ऊपर आए ना, मुझे अच्छा लगा. लेकिन जब कृष्णा आए ना, सुदेश तुम्हारा तो काम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कृष्णा जब आते हैं ना, सुदेश तुम इतना बढ़िया कर रहे हो ना आजकल कि मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें इतनी लातें मारूं. साले, मेरी तारीफ हो रही है तो तुझे हजम नहीं हो रहा? तू मेरी तारीफ सुने या ना करे, ये मेरी तारीफ जरूर करेंगे, सुन ले इन्हीं के मुंह से. विनय आप ही से शुरुआत करूंगी, कैसा लगा आपको इनका पागलपन? एक हीरो हीरोइन वाली पिक्चर करनी चाहिए आपको. आपकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है. एंड द लास्ट बिट व्हेन वो जो फास्ट फॉरवर्ड वाला जो बिट था वो बहुत ही कमाल था. थैंक यू वेरी मच. अर्चना, कृष्णा एंड सुदेश, बोथ ऑफ यू, इस सीजन में आपने अपने हर सीजन की जो कामयाबी आपने हासिल की है उसकी हदें भी पार कर दी हैं. दिस सीजन यू आर एब्सोल्युटली अटली डिलाइटफुल एंड माई फेवरेट्स. Sohail, you'll always make us laugh and you'll always make the viewers of Comedy Circus laugh. So, congratulations, fantastic actor. Thank you. Thank you, sir.
hats off. You were brilliant, both of you. Thank you, Naya. कुछ scores भी हो जाए अर्चना? कितने फिल्म में बोला था परमीत जी ने की हैं? कितनी सारी थी? एक. तो marks भी उसी के हिसाब से मिलेंगे. एक के आगे शून्य लगा ही. 10 points. Sohail. 10 points. Please welcome Mantra as bullfighter and Vishakha as various characters. हिंदुस्तान में पहली बार बुल फाइटिंग का खेल. मैं हूं एक मैटाडोर और मेरा पार्टनर बुलडोजर बस पीछे पीछे अभी आने ही वाला है. ओला ओला ओ आग का गोला. हेलो नेहा, मेरा स्पेनिश ऑमलेट आई से. विनय अन्ना, एक बार फिर से एक ही सीजन में दो दो बार विनय पाठक. मेरे को लगता है आपको कॉमेडी सर्कस इतना पसंद है कि आप इधर आने के लिए फिल्म बनाता है और इधर आके फिल्म प्रमोट करता है. बहुत अच्छा. इस बार कौन सा है? पप्पू खान डांस वाला. पप्पू खान डांस, तो उसको पिक्चर में लिया क्यों? वैसे नेहा, अगर तुम मेरे को पप्पू बनाता तो तुम कही थी पप्पू खान स्टॉप साला. लेडीज एंड जेंटलमैन, अपना कुर्सी का पेटी बांध लो क्योंकि पहली बार बुल फाइटिंग. आजा बुल, छटाएगा तुझे धूल. कंट्रोल, ये हमारे साथ धोखा हुआ है. हमको बुल से फाइट करना था, बुल्गेरिया भेज दिया पूरा का पूरा. शट अप, मायसेल्फ बुलबुल. हाँ तो तुम्हारा जैसा फिगर है, एक बुल से तो होगा नहीं, बुलबुल लगेगा इसको. पहले तुम ये बताओ, दौड़ के क्यों आया तुम? वो मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए थे. तो तुम्हारी शक्ल ऐसी, तुम्हारे पीछे सलमान खान थोड़ी ना पड़ेंगे. बकवास बंद करो, तुम वही हो जिसे बुल फाइट करनी है. अरे ऐसे कैसे, पहले बुल दिखाओ. अगर तुम्हारी तरीके का बुल है तो मुझे फाइट नहीं, सरेंडर करना है. देखो, बुल फाइट से पहले तुम्हें टेस्ट देना होगा. टेस्ट? टेस्ट में तो 5 दिन लगता है. 20-20 ले लो. ए, ये क्या क्रिकेट का मैच चल रहा है यहाँ पे? नहीं देखो, सांस से लड़ना कोई मजाक वाली बात नहीं है. ये तो मेरे को बता रही है. 36 एपिसोड हो गया विशाखा डार्लिंग. चल सांस ले ले, गहरी और गहरी और गहरी. अरे अब क्या आखिरी सांस ले लूं क्या? पागल. अच्छा बता, तेरे फैमिली में कौन कौन है? क्यों, तेरा सांड के खानदान देख के लड़ता है? ऐसे नहीं, कल तेरे को कुछ हो गया तो तेरे आगे पीछे कोई तो होना चाहिए. आगे का पता नहीं, पीछे में बहुत कुछ हुआ है. एक शौकीन बुल मिल गया, उस दिन में लाल पतलून पहना था, पीछे से अटैक किया कमीने ने. बहुत तकलीफ हुआ है, बहुत तकलीफ. लड़ ले बेटा, लड़ ले. जीतने वाले को इनाम राशि के साथ गोवा में 3 दिन 4 रातों का स्टे मिलेगा. अच्छा, और हारने वाले को स्ट्रेचर मिलेगा, वो भी लीलावती में, तो लंबे दिन और अनगिनत रातों के लिए. देख, 50,000 रुपए कैश मिलेंगे, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी. सोच ले, सोच ले. अयो, अगर मैं 100 रुपया के लिए एक भैंसे के साथ में बैठ के यहाँ कॉमेडी कर सकता है अर्चना के सामने, तो ऑफ कोर्स मैं 50,000 के लिए लड़ेगा, जरूर लड़ेगा. अच्छा ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट. थैंक यू अर्चना जी. मंत्रा आज एलिमिनेशन के बिना ही बाहर. मुझे अब पैसों के लिए लड़ाई करना पड़ेगा. यू सी, मेरे घर पे बहुत गरीबी है. मेरा बीवी के पास पहनने को साड़ी नहीं है, मीडी पहन के घूमते रही थी दिन भर. अड़ोसी पड़ोसी लोग घूरते रहता है. मैं उसके लिए एक सिल्क का साड़ी खरीदूंगा. ओ नहीं नहीं, बैड आइडिया. मेरा बीवी का नाम स्मिता है, फिर तो वो सिल्क स्मिता हो जाएगा. लोग उसको और घूर घूर के देखेंगे. हाय डर्टी पिक्चर, डर्टी पिक्चर. बाय द वे, ये डर्टी पिक्चर के अंदर विद्या का नाम सिल्क स्मिता नहीं, मिल्क स्मिता होना चाहिए था इसे. क्या आप सोचने में कवर करूंगा जोक? उनने फिल्म में कवर नहीं किया, मैं क्या ठेंगे से कवर करूंगा? पागल समझ रखा है. अरे अरे, माँ का दूध पीने के बाद तू तो दूध बेचने के लिए आया है. अरे ए, लाल कपड़ा है, आजा. प्लेन में नहीं है क्या? चेक में दिखा. चेक? अरे यहाँ 4 साल से इसको चेक नहीं दिखाई दिया, तेरे को चेक में दिखा देंगा मैं. अरे ऐ, मेरे से लड़ो तुम, नहीं तो मैं तुम्हारा सिंग तोड़ दूंगा. ठीक है, तुम एक सिंग तोड़ोगे तो मैं दूसरा वाला सिंग आगे कर दूंगा. मैं दूसरा तोड़ दूंगा तो मैं पहले वाला पीछे कर दूंगा. ये कैसी गांधीवादी बुल मिल गई मेरे को, कुछ समझ में नहीं आ रहा. तुम मुझसे लड़ती क्यों नहीं? नहीं नहीं, झगड़ा करना, हिंसा करना पाप है. इसको गुस्सा दिलाने का क्या तरीका है? कैसे मैं इससे लड़ू?
ब्रह्मास्त्र। ए गांधीवादी बुल, राजीव ठाकुर कितना महान एक्टर है। अच्छा, राजीव ठाकुर पिछली बार 10-10 लेकर गया। अच्छा, राजीव ठाकुर फाइनल में पहुंचेगा। राजीव ठाकुर हमें एलिमिनेट करेगा। राजीव ठाकुर हिलना मत, दर्द हो रहा है। आई टेल यू, हो सकता है ये हमारा आखिरी एपिसोड है। जाते जाते मरने वाले का आखिरी इच्छा पूरी कर दो। एसएमएस करिए कपिल KAPIL टू अर्चना, क्योंकि 57575 पे तो किसी ने किया ही नहीं। अर्चना, कपिल का नाम लेने से ही आपका एक्ट उठ गया। मंत्रा, योर परफॉर्मेंस वॉज एक्सेलेंट, वंडरफुल। मंत्रा, आपका क्या एक यूनिक पन है, क्या आप वो कैरेक्टर में घुस जाते हो? काफी कपिल है, एज मैम सेज कपिलिज्म हर कैरेक्टर में, लेकिन वो कपिल तो रहता ही रहता है। वो आप में वो बात नहीं है। आप जो भी कैरेक्टर प्ले करते हो, आप वो मंत्रा साइड में आ जाता है एंड यू बिकम दैट कैरेक्टर, व्हिच इज वेरी गुड, व्हिच इज फैंटास्टिक, दैट मींस अ लॉट, व्हिच इज वेरी यूनिक, स्पेशली यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। You were fabulous, Mantra and Vishakha. आपसे ज़्यादा क्यूट मैंने बुल आज तक नहीं देखा। मेरे आप क्या कहेंगे? विशाखा जी, आपकी बहादुरी के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इट्स अ वेरी ब्रेव थिंग फॉर एन एक्टर टू कम इन द मोस्ट रिडिकुलस ऑफ एन अटायर एंड लिव इट एंड बी कम्फर्टेबल एंड विशाखा सबने सिंह देख कहाँ जा रहे हैं अभी? That's exactly what I meant. आपको पता भी नहीं आपके सीन कहाँ जा रहे हैं। But you're there and you're comfortable and it's fantastic. You know, big hand to you. Let's see what your scores are. I hope this gets you through. 9 points. Ma'am. Sahil. For me, Mantra, it's bullseye. Ah, 10 points. You, sir. Thank you. Welcome Siddharth as American cyclist and Bharti as various characters. Mom, hi. Hello, Mom. I'm pahunch gaya. Yeah, I'm fresh. Yes. Don't worry. Yahan to main reh jitunga. Kyun? ये देश तो इतना गरीब है, इनके पास तो साइकिल लेने के लिए पैसे नहीं है, सब पैदल आएंगे। मेरे अकेले के पास साइकिल तो मैं जीतूंगा ना। अरे अर्चना जी, आप इधर। देखा सोहेल भाई, जब से अनाउंस हुआ ना इधर साइकिल रेसिंग होने वाली है, आ गई पंचर का दुकान डालने। अरे अर्चना जी, मेरा कोई साइकिल पंचर नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरी साइकिल देखी आपने, ये साइकिल मुझे शत्रुघ्न सिन्हा ने दी है। और हैंडल देखिए, खामोश। अगले हफ्ते इसका फिनाले, इसमें मेहनत कर, इसमें तू पक्का जीतेगा, क्योंकि यहाँ तो अर्चना है। ए, रुको रुको। अबे कौन है तू? ये मैं इधर का ट्रैफिक का बलदार है। अब लेकिन मैं ट्रैफिक वालों को बुलाया नहीं। ये बहुत गरीब देश है, दिमाग में सोचो पुलिस आ जाता है। ये कैसा है विनिया? कौन? वही जो नया टूपिया के बगल में बैठा है। अरे वो विनय जी, यार एलिमिनेशन है। विनय जी बोल, विनय जी। ए, पहले हम लोग भी नमस्ते विनय जी बोलता था, फिर? लेकिन ये रोज रोज इधर आने लगा, इसीलिए हम इसको भी विनय कहते हैं। और सुनो, अगर नेक्स्ट टाइम भी इधर आया ना, तो इसको ऐसे बुलाएगा, कैसा है तू? अच्छा, मेरे को बता, तू इस सबको पहचानता है अच्छे से? अरे देखो जी, हम लोग का देश गरीब है, लेकिन हम लोग का कंट्री में बहुत बड़ा बड़ा लोग आता है। अभी वो पीछे जी आया था, हाँ, यश खोपड़ा और खली, वो आए थे। अरे दोनों लड़ने लग गया, मैंने सुना। यश खोपड़ा बोलता उधरे उड़े उड़े, खली आगे से बोला हल्दे बल्दे उधरे उड़े। यश खोपड़ा आगे से फिर बोला हल्दे उड़े उड़े, यश रा उधरे उड़े उड़े। आगे से खली बोला हुदवेन तो पिकनिक मत करो।
ये मेरे को आज कटोरा क्यों इतना चुभ रहा है? अबे तू पुलिस से फिर कटोरा लेके क्यों घूम रहा है? अरे साहब ये गरीब देश है ना, कोई भी काम करो भीख मांगना ही पड़ता है। इतना गरीब है, इनके बच्चे लोग मोमबत्ती के नीचे रोशनी के नीचे पढ़ाई करते होंगे। ये बकवास नहीं करने का, मोमबत्ती के नीचे पढ़ाई इधर का करोड़पति का बच्चा करता है। फिर हमारा बच्चा तो किताब पकड़ के जुगनू का पीछा भागता है ऐसा। साला मेरा बेटा नालायक निकला। क्या हुआ? साला जुगनू पास हो गया, छोकरा फेल हो गया। गलत में से आया, मैं तेरा चालान काटेगा। चल फटाफट नाम बोल अपना। माइकल रॉड्रिक चेकोस्लोवाकिया। फिर से बोल। माइकल रॉड्रिक चेकोस्लोवाकिया। चल जा, दोबारा ऐसा काम मत करना। चल जा, माफ किया तेरे को। अरे नाम तो लिख ले। अरे नहीं नहीं, तू तू ठीक है? अरे नाम लिख ले। अरे मैं गलत था। अरे नाम लिख ले। अरे मैं गलत था। सुन, अरे चल चल लिख तो। अरे सुन यार, अजीब देश यार। चलो यार, मेरा रेसिंग तो शुरू करता हूँ मैं। चलो ए हैंड्स अप, हाथ ऊपर काट, हाथ ऊपर काट। अबे पुलिस तो फिर से आ गया। पुलिस? ये मैं पुलिस नहीं, मैं डाकू है। डाकू? अभी तो लेके गया, मेरा नाम भी लिख के गया तू। वो बहुत गरीब देश है ना साहब, इधर का भगवान भी अलग अलग शक्ल अफोर्ड नहीं कर पाया, इसलिए सबको एक जैसा शक्ल दे दिया। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। लेकिन तू किस देश का बच्चा है? आई एम फ्रॉम यूएसए, अमेरिका। अमेरिका? हाँ। तो मैं तो तेरे को लूटेगा। चल फटाफट पैसा निकाल। लेकिन बंदूक किधर है? बहुत गरीब देश है ना, यही बंदूक है, इसको ही समझ और डर। अबे इससे क्या मारेगा तू मेरे को, कैसे मारेगा? ऐसे। चल फटाफट निकाल। साला तेरा माँ की आँख। साला जगह जगह पति, तू तो खुद भिखारी लग रहा है। अरे हाथ। अबे लूट तो। अरे हाथ। अबे लूट तो। हाथ। यार इसकी देश में आ गया हूँ यार, मेरे को रेसिंग भी कोई करने नहीं देता। भागो, डाकू आ गया, भागो, डाकू आ गया, भागो। अरे दोस्त, मैं तेरा पार्टनर है, मैं डाकू नहीं है, रेसर है, साइकिल रेसर। तू साइकिल रेसर है? हाँ। अरे लेकिन तू सेम डाकू जैसा दिखता है। अरे दोस्त, गरीब देश, एक जैसा चक्कर, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। लेकिन ये क्या है, तेरे पास टायर नहीं है, टांगे क्यों लगाई है? गरीब देश, टायर लेने के लिए पैसा नहीं था, दादाजी का टांग काट के लगाया। लेकिन पीछे तो कुछ भी नहीं है। दादी अभी जिंदा है ना। लेकिन मैंने सोचा है दादी ऊपर जाएगा तो मैं रिक्शा बनाएगा। अरे दादी लंगड़ा है ना, फोकस बंद कर और रेस लगा। चल हाँ, चलो बैकग्राउंड भी दे दे। चल 1 2 3 स्टार्ट। सिद्धार्थ, आपका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहता है, लेकिन इस बार तो भारती ने मतलब मैदान बिल्कुल जीत लिया। सोहेल, मुझे लगता है कि ये जो टर्म है वन मैन शो, इस एक्ट के बाद कैन बी चेंज टू वन वुमन शो। फैबुलस भारती। दिनेश जी, आप क्या कहेंगे इन दोनों के बारे में? मैं तो बहुत ही स्तब्ध हूँ, आप दोनों ने बहुत ही कमाल का एक्ट किया है। भारती जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और जो भी आपने किया वो सबने देखा। देर वॉज अ लिटिल बिट ऑफ चैपलिन जस्ट अंडर योर नोज, यू मेनटेन दैट स्पाइन थ्रू आउट, वेरी हम्बलिंग, वेरी फनी एंड हिस्टेरिकल। थैंक यू सो मच। नेहा, आप क्या कहेंगे इन दोनों के बारे में? I can't start counting the number of funny moments in this act. और भारती, मैंने आपको कितनी बार देखा है शो पर, और हमेशा मैं बोलती हूँ कि अब इससे ज़्यादा क्या करेंगी, इससे ज़्यादा मैं कैसे हंसूँगी इन पर, एंड यू ओनली कीप गेटिंग बेटर विद टाइम। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस। तो कैन द स्कोर्स गेट बेटर? 10 पॉइंट्स। अर्चना, 9 पॉइंट्स। ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहा है स्टेडियम का एक गार्ड। अब इसकी ड्यूटी के चक्कर में
किसकी लगती है बात, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम श्वेता एज मैच व्यूअर एंड कपिल एज वेरियस कैरेक्टर्स। मैं हूं चौकीदार। स्टेडियम में आज मैच हो रहा है, लाखों की भीड़, ना तो हमने उम्मीद की थी ना ही आई है। सुहेल भाई, आप भी फिल्म की प्रमोशन तो नहीं करने आए? एक्चुअली क्या है ना, मैच में बड़े सारे लोग आते हैं प्रमोशन करने। कल आफ्ताब शिवदासानी आया था मैच में, कैमरे के आगे यूं करता, मेरे को लगा टीम को चीयर कर रहा है। बाद में फोन निकाल के मम्मी को बोलता, मम्मी अब मत कहना मैं नजर नहीं आता टीवी पे। ओ माई गॉड, विनय पाठक और फिल्म बना दी एक। हमारा पहला सीजन नहीं खत्म हुआ, हर हफ्ते फिल्म बना देते, क्या बात है। विनय भाई तो इतनी बार हमारी शूटिंग भी आ चुके हैं, मतलब सब लोग फ्रैंक हो चुके हैं अब इनके साथ। कल तो एक स्पॉट बॉय कह रहा था, विनय तुम्हारे लिए अलग से चाय बनाऊंगा, मेरे कप में पी लोगे। विनय भाई आप बड़े क्यूट हो, थोड़ा मुंह बड़ा है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फायदा बड़ा है, एक ही बार फूंक मार के 2500 मोमबत्तियां बुझा देते। आप विनय भाई के बारे में एक चीज नहीं जानते, ये बड़े क्यूट इंसान है। इतने क्यूट हैं क्योंकि इनके ऊपर आप कोई भी पंच मारो गुस्सा नहीं करते, गुस्सा कर भी जाएंगे तो इससे ज्यादा क्या मुंह फुला लेंगे। आप देखिए भगवान की कृपा है, मेरे को ये लगता है कि मुंबई सच में माया नगरी है। देख लो हमने साथ में स्ट्रगल शुरू किया था, मैं सेलिब्रिटी बन गया, आप एक्टर ही हैं, लेकिन आज आप सुपरस्टार हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। नहीं तो भाई मेरे को आज भी याद है बरेली में जब रामलीला में आप सुग्रीव बनते थे, क्या मिलता था, कुछ भी नहीं। लेकिन आज अच्छी है भगवान की, और नेहा भी आई है। नेहा तो आप भी कितनी बार आ चुकी है हमारी शूटिंग में, आपको अच्छा लगता ना हमारा शो? जी बिल्कुल। आप परमानेंट होना चाहेंगी हमारे शो में? जी जरूर। चल सुरेंद्र उठ, तू कल से नेहा तबला बजाएगी। ये तो मैच हो रहा है आज हमारा पड़ोसी देश के साथ, क्रिकेट का, शुक्र है क्रिकेट का मैच हो रहा है। तो हॉकी का होता है डिस्टर्बेंस बड़ी होती है, प्लेयर बीच में उठ के कुल्फियां बेचने चले जाते हैं। मैंने कहा भाई क्या करे तुम्हारा मैच है, कहते क्या करे भाई घर नहीं चलाना, हॉकी से घर थोड़ी ना चलता है। और मैच में ऐसे ऐसे अजीब अजीब लोग आते हैं ना, कल ये सिद्धार्थ यादव आ गया, 14 बच्चे डर गए, 15 औरतें विधवा होते होते बची। ये मतलब ओए माय गॉड, मैंने कितनी बार कहा ये मुंह लेके जाते तो जुराब पहन के जाया कर। कहता भाई जुराब तो पहन लूं लेकिन बदबू बड़ी आती है मेरे मुंह से। खैर मैच शुरू होने वाला है थोड़ी देर में, बस कुछ लोग आ जाएं देखने तो शुरू करें मैच। ए, ए, किधर जा रही, घुसी चली जा रही तू अंदर है? जी क्रिकेट मैच यही हो रहा है क्या? तो तेरे को क्या लगता अर्चना बाल खोल के नाच रही इसलिए भीड़ इकट्ठी हुई इधर? अरे इडियट, मैं मैच देखने आई हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। सब जानता हूँ तेरे जैसी लड़कियों को मैच देखने आती है, फर्स्ट रो में जाके बैठती है, फिर खिलाड़ियों को गंदे गंदे इशारे करती है, फिर वो जीरो पे आउट हो जाते हैं। चल भाग जा, तेरे घर पे टीवी नहीं है? अरे टीवी है लेकिन मैं सामने से मैच देखना चाहती हूँ। सामने से मैच देखना क्यों, मैं उससे क्या होगा, जहीर खान का बिकनी पहन के बॉल कराएगा? वैसे ही नजर आता है जैसे टीवी पे नजर आता है। चल भाग जा यहाँ से, आ जाती है, चल जा, भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, चल निकल यहाँ से। मैं भीड़ नहीं हूँ, टिकट लेकर आई हूँ। दिखा कहाँ है टिकट तेरी? ये ले। निजामुद्दीन से अम्बाला, वो भी वेटिंग, तेरा दिमाग खराब है? ट्रेन की टिकट लेके मैच देखने आई तू? गलती से दिया, ये ले। ओह माय गॉड, कितने की ली तूने टिकट? 25,000 की। 25,000 की, तू पागल है? सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हो जाती मुफ्त में मैच देखती तू? 25,000 क्यों खर्च किया तूने? अरे क्योंकि मुझे अपने टीम से प्यार है, मैं अपने टीम को जीतते हुए देखना चाहती हूँ। तो तेरे को 25,000 खर्चा करने की क्या जरूरत, 12,500 दूसरी टीम को देती वैसे ही जीत जाती अपनी टीम। क्या बकवास कर रहे हो, ऐसे ना बोलो। ऐसे क्यों ना बोलूं, बोलो कुछ भी अपनी किताबों में लिखे, हम लोग बोल भी नहीं सकते। क्या कहता, मेरी बॉल से सचिन डरता है, मेरे को गुस्सा आ गया, मैं पूछने चला गया, मैंने कहा बता, बोलता हाँ मैंने लिखा था सचिन डरता है लेकिन सचिन तेंदुलकर नहीं, सचिन पिलगांवकर। ये सचिन पिलगांवकर कौन है? तू नहीं जानती, हजारों फिल्में आई हैं। कौन सी थी ये, नदिया के बाहर नहीं देखी तूने? बच्चे जैसे दिखने वाला क्यूट सा हीरो, अभी भी बच्चा ही है, अभी भी दूध में बॉर मिटाना ना दो तो सोता नहीं है। कभी कभी तो जिद बैठ जाता है, मेरे को लाल रंग का गैस वाला गुब्बारा चाहिए, नहीं तो चुप ही नहीं होता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम, चलो हटो, मुझे जाने दो, मुझे मैच देखना है। ए इधर बैठो, मैच देख, किधर जाके मैच देख रहे तेरे को, बैठो चुपचाप, तलाशी लेनी है? तलाशी बाद में ले, इधर बैठ। अच्छा बैठ आराम से, चाय पानी तो नहीं पीगी? है नहीं इधर, मैंने मना करना तुमने। और तब तक स्टेडियम में अंदर नहीं जा सकते जब तक तेरी तलाशी नहीं होगी, खड़ी हो। तो लो तलाशी। क्या क्या पागल हो क्या, किसी औरत को बुलाओ तलाशी देने के लिए? अब क्या तेरे चक्कर में ब्लाउज पहन के आऊं फिर तेरी तलाशी लूं मैं? पागल है? इडियट, सच्ची की औरत को बुलाओ तलाशी लेने के लिए। तो इतनी टेंशन क्यों लेती, मैं बैठ के ले लेता हूँ तेरी तलाशी, आ जा। ए देख मेरे को शक है तेरे पास बम है। मेरे पास कोई बम बम नहीं है। ये जाने दे, मैंने देखा तेरा पिछला एपिसोड, तेरे से बड़ा बम है ही नहीं किसी के पास। इतना बड़ा बम लेके आई ना,
इतना बड़ा बम ले गई, मैं सोचूं यार ये औरत साड़ी में ड्रेसिंग टेबल लपेट के कहाँ जा रही है। हट जा, तेरी तलाशी लेनी मेरे को। देखो मैं तुम्हारे साथ तलाशी नहीं दूंगी। देखो तू किसी औरत को बुलाओ, मैं बहुत शरीफ घर की लड़की हूँ। मैं जानता हूँ तेरे जैसी शरीफ लड़कियों को। घर जाके देखो ना, डिस्कवरी चैनल लगा के नंगे लकड़ बके देख रही होती है। शट अप, मुझे बस इतना बताओ मुझे बैठना कहाँ है। जो पिछली सीट पे जाके बैठ जाओ, 7 नंबर में। 7 नंबर सीट पर तो ऑलरेडी सोहेल बैठा हुआ है। हाँ तो कब तक अपने टैलेंट पे 10-10 लूं? तू भी तो मेरी हेल्प करके भी बैठ उसके साथ जाके, थोड़ी देर टाइम पास कराओ जाके। शट अप, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। बैठ जा बैठ जा। पहली बॉल। ओए क्या? सामने से हट, मुझे मैच देखना है। ये तो मेरे सामने हट से क्या हो जाएगा, मैं नहीं हटता था, मेरी ड्यूटी लगी यहाँ पे। इडियट, हट। अच्छा ये बताओ स्टेडियम में कुछ खाने को मिलता है क्या? नहीं इधर नहीं मिलता। फिर वो कैसे भर भर के खा रही है? वो तो कहीं से भी अरेंज कर लेती है। परसों तो कौवे के मुंह से पराठा छीन के खा गई। ऊपर से थप्पड़ मार रही थी, बोलती कल वाला भी निकाल, उसकी छोड़ो तुम। ओ शट अप, हटो, मुझे मैच देखने दो। आपको समझ में नहीं आएगा, आपने शुरू से तो देखा नहीं मैच। ये कौन सी हिंदी फिल्म है कि शुरू से नहीं देखा तो समझ में नहीं आएगा, मैच है। अच्छा मेरे को नहीं पता, मेरा तो ध्यान ज्यादा क्रिकेट में रहता है। अबे इडियट, क्रिकेट मैच ही चल रहा है। क्रिकेट चल रहा है? हाँ। सानिया मिर्जा कहाँ है फिर? बेवकूफ। एक तो मैच भी नहीं खत्म हो रहा, मेरा खुद का मैच है। तुम्हारा कौन सा मैच? देखा हमारी यही प्रॉब्लम हॉकी वालों की, हमें कोई नहीं पहचानता। मैं गोलकीपर हूँ हॉकी टीम का। लेकिन तुम तो सिक्योरिटी गार्ड हो ना, तो क्यों बच्चे नहीं पालने मेरे को? लेकिन इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें तो मैंने तुम्हें देखा नहीं। मेरे को छुट्टी नहीं मिली थी ना ऑफिस से। मेरा मालिक कहता है वर्ल्ड कप के चक्कर में जो चाय का कप मिल रहा है वो भी ना आते जाने दे, चुपचाप बैठा था, फिर मैं नहीं गया। क्या बकवास कर रहा है इडियट, अभी हम लोगों ने एशिया कप जीता ना। वो एशिया कप देखो वो हमने जानबूझ के नहीं किया, हमसे गलती हो गई। एक्चुअली दूसरी टीम आई नहीं थी, हम लोग पहले पहुंच गए। मैंने कहा इससे पहले कि दूसरी टीम आए फटाफट गोल कर दो, हमने 10-15 गोल कर दिए। नहीं तो मैडम हम लोग क्या गोल करेंगे, मैंने हलवाई के पास 4 साल लगाए, मेरे से तो लड्डू गोल नहीं होते। मैं नुकीले बनाता रहा हूँ नुकीले लड्डू। कॉलेज के लड़के मेरे से लड्डू मांग के लेके जाते रहे, कहते हमारी लड़ाई हुई है देते लड्डू पेट फाड़ेंगे लोगों का। हम लोगों को ऐसे कहाँ गोल होता है। खैर बातों बातों में एक चीज भूली गया मैं, टाइप करें कपिल और सेंड करें अर्चना के मोबाइल पे, क्योंकि 57575 पे तो किसी कंबख्त ने भेजा नहीं, मुंह खोल के देख रहा है। मोबाइल पे कितने SMS आए हैं कपिल के नाम से ये बता दीजिए। जब सच बताऊं तो मेरे मोबाइल से बहुत गए हैं मैसेजेस कपिल के नाम पर, लेकिन अफसोस मेरे इन डोलों में उतनी ताकत नहीं थी, है ना। लेकिन अभी कितने पंचेस मारे हैं आपके साथियों ने आपके ऊपर? मैं तो जाके सिंगिंग शो में फाइनल में जाके आऊं, ये तो खुद ही नहीं फाइनल में पहुंचते, कॉमेडी जो आपका काम है। वैसे मैं कहने वाली थी जहां पर आप हारे हैं वहां, जहां पर आप सेकंड हैं, अच्छा सॉरी, जहां पर आप बाय इज्जत सेकंड आए हैं वहां की हम ज्यादा बातें कर रहे हैं, लेकिन जहां पर आप हमेशा जीतते हैं आप वहां की भी बात कर लेते हैं, है ना। आज आपने बहुत मेहनत की, आज आप राजीव ठाकुर बन गए, इतनी मेहनत की आपने इस एक्ट में पंचेस डालने की, इस एक्ट में हमें हंसाने की, लेकिन वो सारे पंचेस कामयाब नहीं हुए। But well done. Thank you. चलिए नेहा से पूछ लेते हैं। Well, कपिल आप तो मतलब जैसे कुछ बोलने लगते हैं, अगर आप बहुत सीरियस भी मुझे कुछ खबर सुनाएंगे कभी भी, आई थिंक आई एम ऑलवेज गोइंग टू लाफ, क्योंकि आप जैसे बोलने लगते हैं मुझे बहुत हंसी आती है। And, श्वेता यू परफॉर्म वंडरफुली एवरी टाइम, बट वेरी वेल डन गाइज। थैंक यू। विनय जी थैंक यू वेरी मच, इट वाज रियली रियली इंटरेस्टिंग। यार कपिल एंड श्वेता, अगर कुछ 19-20 होगा आपके परफॉर्मेंस में तो सिर्फ वो स्क्रिप्ट का 19 होगा, आप लोग हमेशा 20 ही होते हो, लेकिन वो बात कंफर्म हो गई है क्या जो आपने पोस्ट अपना एक्ट किया बिकॉज ऑफ दैट? थैंक यू फिल्म भाई। अर्चना इससे बिलो आप कभी डिजर्व करते ही नहीं। थैंक यू सो मच। प्लेयर की दर्द भरी कहानी लेकर आ रहे हैं राजीव एज सब्जी वाला एंड सुगंधा एज वेरियस कैरेक्टर्स, प्लीज वेलकम देम। विनय जी नमस्कार। नमस्ते। आप फिर आ गए सर। जी जी जी। सर आप एक काम क्यों नहीं करते, आप एक पास क्यों नहीं बनवा लेते आने जाने का? आपको क्या लगता है मेरे पास नहीं है? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि आपको शूटिंग देखने के लिए हर बार नई लड़की लानी पड़ती है, अगर पास होता तो सेम लड़की के साथ ना आते। खैर
नेहा जी आप पर मैं कोई पंच नहीं मारूंगा क्योंकि हो सकता है आपका मूड हो कहीं एक आधी पप्पी दे दो मैं पंच बना के खराब कर दूंगा। मेरी सब्जियों की दुकान से आपको पता चल ही गया होगा कि आज के एक्ट में मैं हॉकी प्लेयर बना। क्योंकि जब देश जागता है तो हम लोग सोते हैं। वेल स्वागत है आपका मेरे शो में जिसका नाम है 9211 याद है के 92.11 बकते रहो। ओह माय गॉड हमारे साथ है नेहा दुपिया आपने अर्चा के साथ बैठ के कुछ पिया वेल नहीं पिया तो हमारे साथ बैठे हैं विनय पाठक जो कि है बहुत ही क्यूट और जो कि कूद जाते हैं किसी भी रेलवे फाटक से। वेल स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे म्यूजिकल शो में और मैं हूँ आपकी होस्ट चौधरी यानी कि आज पद्मा भड्डू के कॉल में पद्दू। एक कॉलर का फोन आया एक्सक्यूज मी हेलो कौन बोल रहा है? ओह माय गॉड ओके आप कहाँ से बोल रहे हैं? ओह नो सुबह सुबह ही पूछना भी गुनाह है कहाँ से बोल रहे हैं? ओके आप जलेबियाँ बना रहे हैं? हेलो अपने चाचा को वो जलेबियों में पानी डालो सवाल पूछ। ओके आपका सवाल ऑलराइट होल्ड एक्चुअली हमारे कॉलर ये जानना चाहते हैं कि आज कौन एलिमिनेट होगा। ये तू जानना चाहती है कौन एलिमिनेट होगा? कॉलर वॉलर नहीं सीधा सीधा पूछ हॉकी के सवाल। ओके तो हॉकी के बारे में कुछ बताइए। हॉकी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ क्योंकि चक द इंडिया मैंने 20 बार देखी है और उसके बाद मुझे तो डायलॉग ऐसे याद हो गए सुहागरात में जाके मैंने उसी का डायलॉग बोला था तुम्हारे पास पूरे 70 मिनट है हाँ? मेरी बीवी ने घूंघट उठा के बोला कहती 70 मिनट ओए हाँ सुहागरा तूने बनानी की पूरी टीम ने कैसे हॉकी बारे में क्या पता है तुम्हें कुछ नहीं पता हॉकी के बारे में क्या बात कर रही हो मैं अपनी हॉकी टीम में सेम पोजीशन सबसे लास्ट गोलकीपर था। अच्छा हाँ उन्होंने मुझे निकाल दिया कहते अबे तू गोल क्यों नहीं रोकता है मैंने कहा बेवकूफ अगर गोल मैंने रोकना साले जी नेट क्यों लगाया हुआ पीछे एक्सक्यूज मी नेट पे बॉल पड़ने से गोल होता है तो इसमें मेरा क्या कसूर फिर नेट को निकालो मुझे क्यों निकाल रहे हो आप ये बताइए कि आप हॉकी प्लेयर हैं तो आप कुछ ऐड क्यों नहीं करते लाइक मॉडलिंग क्यों नहीं करते इतना पैसा है लाखों रुपए है ऐड में लाखों रुपया हम तो 11 खिलाड़ी को मिलकर 2.5 लाख रुपए मिला था ना तब हमें पहली बार पता चला था हैं 1000 का नोट भी होता है वरना हम तो जहाज में बैठ जाए ना जहाज वाले इतने कमीने हैं जहाज रेलवे स्टेशन में उतार देते कहते चलो यहाँ उतरो तुम लोग इतना बुरा होता है आपके साथ मैं नहीं मानती इतना बुरा नहीं हो सकता तुम कैसे मानोगी आप लोगों ने कभी हॉकी का मैच देखा हो तो मानोगे ना कि कितना बुरा हाल होता है हमारे साथ मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है मैं आपको दिखाता हूँ कि हॉकी का कितना बुरा हाल होता है हमारे साथ गौर से देखिए स्टेडियम खचा खच भरा हुआ है खचा खच बैठने के लिए सीट नहीं है क्योंकि 3 कुर्सियां 4 लोग लड़ रहे हैं उसमें बैठने के लिए ओहो स्टेडियम में कुछ परिंदे भी आके बैठ गए हैं ये क्या ये तो साइबेरिया का परिंदा लग रहा है ये चाइनीज मोर लग रहा है कमाल है लेकिन ओहो एक और प्लेयर आ गया हॉकी खेलने तो हॉकी खेल चुका है राज पिल्ले ने बॉल पकड़ी है बॉल को लेके आगे बढ़ रहे हैं उन्होंने बॉल लिया बॉल दे दिया तेंदुलकर को दे दिया तेंदुलकर ने आगे विराट कोहली को दिया विराट कोहली ने धोनी को दे दिया धोनी ने आगे युवराज ने हरभजन को दे दिया हॉकी के मैच में क्रिकेटर्स का नाम क्यों ले रहा तू जिनके नाम लोग याद करते हैं जिनको जानते हैं उन्हीं के नाम लूंगा हॉकी के नाम कौन जानता है और ये एक बार से दराज पिल्ले बॉल आगे बढ़ गए और ये बॉल उन्होंने फेंक दी है सीधे सिराज तुल्ले के पास ये क्या हुआ सिराज तुले को समझ में नहीं आ रहा कि बॉल के साथ क्या करें क्योंकि उनके पास हॉकी नहीं है यही होता है हमारी हॉकी टीम में 11 में से 7 खिलाड़ियों के पास हॉकी होती है बाकी 3 लोग तो हाथ के साथ खेल रहे होते हैं और ये एक बार फिर से धनराज पिल्ले बॉल लेके भाग रहे हैं प्लीज एक मिनट के लिए दे यार प्लीज मेरे पर मारना पिछली बार मेरे पास नहीं थी तूने दी थी मैं तो खुद जयपुर वाले चाचा की टांग लेके आया हूं पीछे और ये धनराज पिल्ले बॉल लेके भाग रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं बॉल लेके भाग ही जाऊं बाहर 5 रुपए की बिक जाएगी कम से कम कुलचे तो खाने को मिलेंगे और ये बॉल लेके भाग गए हैं नहीं आप ऐसा मत सोचिए बाहर उन्हें बात की सब्जी भी बेचनी होती है ना एक्चुअली म्यूजिक एंजॉय कर रही थी यू नो कैसा लगा हमारा हाल वेल नाइस इट थोड़ा बहुत दुख हुआ मुझे ये जानकर के काफी कुछ बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ मैं तेरे थप्पड़ मारना तुझे क्या दुख होना है दुख तो मुझे हुआ था जब हमारे पास निकल के पैसे नहीं थे हमें फेंटे वाले कच्चे में जाके हॉकी खेलनी पड़ी दुख तो मुझे उस दिन हुआ था जब 1 रुपए का सिक्का उछाल के जीतने के बाद मैंने जेब में डाला उसने थप्पड़ मार के मुझसे वापस छीन लिया दुख तो मुझे उस दिन हुआ था जब एयरपोर्ट पर मेरे अपने बेटे ने मुझे छोड़कर जाके धोनी का ऑटोग्राफ लिया था दुख तो अभी मुझे इस बात का है कि तूने 3 लाइनें बोली और वहां एक भी ढंग से नहीं फूटी अब फूटेगी प्लीज वोट फॉर कपिल राइट KAPIL एंड सेंड इट टू अर्चना क्योंकि 57575 पे तो पहुंच नहीं रहे थैंक यू वेरी मच
चक्कर क्या है आखिर? अरे एसएमएस का चक्कर नहीं, ये अर्चना और कपिल का चक्कर क्या है? एसएमएस का या इसका या उसका? चक्रव्यूह बन गया है ना? हाँ, आपका ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था राजीव, और आपके बस एक बैड लक ही खराब है जो आप हार जाते हैं, अदरवाइज यू आर सो टैलेंटेड। एंड एक और टैलेंट है आप में, यू आर द हार्डेस्ट वर्किंग कॉन्टेस्टेंट ऑन कॉमेडी सर। जो आपने कहा आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त धनराज पिल्ले हैं, हम मिलते हैं और हम बातें करते हैं। एक बार उसने मुझे ये भी कहा कि तेरा बेटा क्या खेलता है, कैसे क्रिकेट बोला देखा, मतलब यू नो इन फॉर माय सन, उसको जो आईपीएल से शौक आया है या फिर क्रिकेट से शौक आया है, और काफ़ी लोग ये नहीं जानते, दे थिंक द क्रिकेट इज़ द नेशनल स्पोर्ट, बट एक्चुअली हॉकी इज विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट। सो आई एम हैप्पी दैट आप लोगों ने इस मुद्दे को यहाँ उछाला है और वेल डन। नेहा, राजीव एंड सुगंधा, आप दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया एंड द एक्ट वॉज लवली। विनय जी, राजीव जी, सुगंधा जी, आप दोनों कितने होनहार हैं ये सबको पता है, और जब भी आप साथ में काम करते हैं इट्स ऑलवेज एंटरटेनिंग टू वॉच यू। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे पद्दू के नाम पे कितने स्कोर दे रहे हैं आप? 9 points। अर्चना, इस सोच के लिए और आपके एफर्ट के लिए स्पेशली फॉर यू राजीव, 1 extra point। 9 points। रोल पाने के लिए ग्रैंड फिनाले जीतना जरूरी है, और ग्रैंड फिनाले में लड़ने के लिए सेमीफाइनल में जाना जरूरी है। इसका फैसला होगा अब एलिमिनेशन। जजेस और ऑडियंस स्कोर्स को मिलाकर आज कोई 3 जोड़ियां है बॉटम में, और आज की पहली बॉटम जोड़ी है मंत्रा विशाखा, आप प्लीज ज्वाइन मी ऑन स्टेज। हमारी दूसरी बॉटम जोड़ी है भारती सिद्धार्थ, आप, और तीसरी बॉटम जोड़ी है राजीव सुगंधा, आप प्लीज जॉइन मी ऑन स्टेज। मंत्रा विशाखा, आपके स्कोर्स कुछ इस तरह है, आपका टोटल है 293 पॉइंट्स। राजीव सुगंधा, आपका टोटल है 292 पॉइंट्स। भारती और सिद्धार्थ, आपका टाई है मंत्रा और विशाखा के साथ, यानी कि आपके स्कोर्स है 293 पॉइंट्स। अफसोस ठाकुर सुगंधा, आप हमें 1 point की वजह से छोड़ के जा रहे हैं। मंत्रा, विशाखा, भारती, सिद्धार्थ, वेलकम टू द सेमीफाइनल्स। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। प्लीज गो टेक योर सीट। सोहेल, ये आपकी फेवरेट जोड़ी बन गई थी, राइट? बहुत बार मैंने ये कह चुका हूँ, और मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ आके सिर्फ सीखने को मिला है, और पता नहीं अगर मैं कभी भी शाहरुख भाई को साइन कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं आपको जरूर साइन करूंगा इन कॉम्पेंसेशन। थैंक यू सर। कॉमेडी की गॉड मदर इन्हें क्या आशीर्वाद देंगी? यू गाइज आर गॉड ऑफ कॉमेडी, टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म इन कॉमेडी सर्कस इज द बिगेस्ट ट्रॉफी ऑफ ऑल, सो यू आर ऑलरेडी विनर। थैंक्स कहना चाहूंगी अर्चना मैम को, सर को, सभी फ्रेंड्स को। जोरदार तालियां हो जाए राजीव और सुगंधा के लिए। थैंक यू सो मच। हंसी के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है अगले हफ्ते, और उसके बाद ग्रैंड फिनाले। सो बी विद अस ओनली ऑन कोहिनूर, द ट्रू बासमती प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर, तबला तोड़। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।